हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण दास के चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से सब ठीक होंगे। और ये पार्सल आया है कहाँ से? ये पार्सल आया है इंस्टाग्राम से, कान्हा शॉपिंग वर्ल्ड बेटे ने भेजा है। और पता नहीं क्या है, काफ़ी बड़ा पार्सल है। देखो मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो कितना बड़ा पार्सल है। तो ये देखिए मैंने पार्सल खोल लिया है, इसके अंदर फिर कुछ दिख रहा है, उस पर भी बबलिंग रैप है। तो मैं इसको भी खोलती हूँ, फिर देखते हैं क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। मैं खोलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और सरप्राइज है, मेरे पास आ गया तो मेरे को पता लगा है। और पेज भी है, और मैं हर बार बताती हूँ तो सबको पता चल चुका है कान्हा शॉपिंग वर्ल्ड कौन है। फिर भी अगर हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी पेज का, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और सब जो भी आइटम ये लिखी होती है वहाँ पे, मतलब दिखा रखी होती है, सब पे प्राइस भी है। तो आप डायरेक्ट प्राइस देख के भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। मैं खोलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, पहले मैं खुद भी तो देखूँ क्या है इसमें। देखिए मैं पार्सल खोल रही हूँ और मैं ये ओपनिंग वीडियो बना देती हूँ ताकि ये सरप्राइज जो है मैं सबके सामने ही देखूं तो ज़्यादा सही रहेगा। और पैकिंग ज़्यादा हार्ड होती है तो मैं इसलिए सबके सामने नहीं खोल पाती हूँ। तो मैं एक बार निकाल लेती हूँ, चलो आपको दिखाई खुल जा सिम सिम। आह ये देखो ये खुल गया। क्या है इसमें? आज बेटे ने क्या भेजा है? ये हमेशा मुझे सरप्राइज करता है। देखो जी मैंने एक खोल लिया है, ये आपको दिख रहा है। और अभी मैं आपको किसी चीज़ पर रख के नहीं दिखा रही, मैं खाली ऐसे नीचे रख के दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा बॉक्स है, तो फिर ऐसे कैसे दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये भी मैं एक बार अच्छे से कट कर लेती हूँ। खुल जा, पैकिंग पे पैकिंग, सॉलिड वाली पैकिंग। तो बेटे के यहाँ बहुत अच्छा रिजनेबल प्राइस का सामान मिलता है, आप ज़रूर से चेक करना। और बहुत लोगों को पता भी है कि मिलता है काफ़ी अच्छा सामान। तो देखिए मैं खोल लेती हूँ पूरा, फिर आपको दिखाती हूँ। इसमें भी ये दो बॉक्स निकले हैं, देखो पैक है। और मैं खोलती हूँ, एक्साइटमेंट हो रही है, क्या भेजा है पता नहीं, बिन बताए भेज देता है, क्या भेजता है खोलूँगी जब पता चलेगा। वाह, डिब्बे के अंदर डिब्बा, आज ये डिब्बे डिब्बे दिखाते रहेंगे मेरे को। इतना डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, सारे ये मैं खोल लूँ नहीं तो सारे में मेरे बुरी हालत हो जाएगी। मैं एक बार पैक खोल लेती हूँ। देखिए मैंने थर्माकोल पूरा हटा लिया है, सारे ये मैं खोल लूँ नहीं तो सारे में मेरे बुरी हालत हो जाएगी। मैं एक बार पैक खोल लेती हूँ। देखिए मैंने थर्माकोल पूरा हटा लिया है। कृष्णा देखो कितनी पैकिंग सॉलिड है, तो क्या है इसमें? मैं खोल खोल के दिमाग की दही हो गई। आओ भाई कौन हो, इतनी सारी पैकिंग करवा के आए हो, वो कौन? अरे कुछ विग्रह सही लग रहे हैं भाई। पहले मैं ये उठा लूँ, आज मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने पूरी ओपनिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि देखो मुझे खुद हंसी आ रही है, इतनी इतनी सॉलिड पैकिंग की मैं खोले जा रही हूँ मुझे लग रहा है कि हंसी मजाक तो नहीं हो रहा। ये देखो, तो पहले क्या खोलें? पहले यही खोलते जो पहले निकला है। जय वाह गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वाओ वाओ है वाओ, ये देखो जय हो गणपति भगवान की। देखो बिल्कुल कितना सुंदर काम है, वाओ जय हो विघ्न हर्ता, जय हो गणपति बप्पा मोरिया, मंगला मूर्ति मोरिया। देखो बहुत ही अद्भुत दर्शन है गणेश जी के। तो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि अच्छे से आपको दिखा पाऊँ। ये देखिए तो ये गणेश भगवान जी भेजे हैं, बहुत ही सुंदर। देखो कितना सुंदर शाइन, देखो पूरे मार्बल के लग रहे हैं, बट ये मार्बल के नहीं है, पता नहीं कौन सी है, ना ये फाइबर के हैं, पता नहीं कौन सी है वो है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मार्बल के हैं। देखो बिल्कुल ही मार्बल के लग रहे हैं, ये भी सॉलिड है बहुत, नीचे बहुत ही सुंदर अद्भुत। ये देखिए तो गणेश जी आए हैं, और दूसरे में क्या है वो भी देख लेते हैं।
माता रानी छोटी सी माता रानी का बिगड़े भी आया है। ये भी बहुत शाइनी और बहुत सुंदर है। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है माता रानी, ना प्यारी प्यारी लग रही है। तो ये माता रानी आ गई। जय माता दी, जयकारा शेर वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ये प्यारी सी माता रानी है, ये देखिए फिनिशिंग कितनी सुंदर है ये री। तो ये कितनी सुंदर स्माइल है मेरी माता रानी की, सच्चे दरबार की जय। देखो कैसे मुस्कुरा रही मेरी माता रानी, ये देखो और कितना सुंदर शाइनी काम है ये देखिए। तो ये दोनों चीज़ भेजी है बेटे ने, गणेश जी काफ़ी अच्छे खासे हैवी हैं। और देखिए मैंने दूसरा पार्सल भी खोल लिया है और इसमें देखते हैं। इसमें निकला है सिंहासन सा लग रहा है ये कुछ, देखो पूरा चांदी जैसा लग रहा है। और ये मैंने सुना कि ऐसे काले नहीं पड़ते, हमेशा ऐसे ही रहते हैं, तो ये सुन के मुझे और अच्छा लगा। छोटू सा है ये, आपको मैं पास से दिखा रही हूँ तो बड़ा लग रहा है, बट ये छोटू सा है, यानी कि समथिंग 1 या 2 इंच के करीब है ये। शायद शालिग्राम जी के लिए ही आया होगा, 2-2.5 इंच के लिए। अगर देखा बैठा के देखूंगी शालिग्राम जी आ जाए मेरे तो बहुत अच्छी बात है। और ये देखो पर बहुत सुंदर भेजा बेटा ने, बहुत ही सुंदर भेजा है। जब बिठाऊंगी, जब अगर बैठे तो मैं ज़रूर से आपको दर्शन भी कराऊंगी इसमें बिठा के। तो देखिए इतना सुंदर सा एक ये प्यारा सा सिंहासन है। फिनिशिंग देखो, काम देखो, और बिल्कुल चांदी का लग रहा है। और ये शायद काला भी नहीं होगा कभी, ऐसा लग रहा है मुझे कि ये मैंने और जगह भी देखे थे तो बोलते काले नहीं होते। और ये इसलिए छोटे छोटे थोड़े से आपको, फिर भी प्राइस ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत प्राइस है, तो सही मिलते हैं ये। देखो अंदर वेलवेट बिछा हुआ है और पीछे की फिनिशिंग भी मैं आपको सारा डिटेल में दिखाती हूँ बढ़िया तरीके से। तो बहुत सुंदर सा ये है और गणपति जी है। तो आप जरूर से बताना कैसे लगे प्यारे प्यारे दोनों चीज़ें। ये देखिए तो ये गणपति पप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो शुभ काम की शुरुआत मेरे गणेश भगवान के साथ। तो जय श्री राधे। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच इतना प्रेम देने के लिए, इतनी सुंदर सी चीज़ भेजने के लिए, दिल से धन्यवाद। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डाल दूंगी पेज का, आप वहाँ से बाय कर सकते हो सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।